जय हिंद दोस्तों तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो जैसा कि आप आपसे पता हम हम है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा दसवीं की गणित विषय उसमें क्या डिस्कस करें उसमें डिसकस करें हम लोग कक्षा दसवीं की पांचवी अध्याय जिसका नाम है समांतर श्रेणी और इसमें हम क्या डिस्कस करें इसमें डिस्कस करेंगे करे? क्वेश्चन करे? नंबर तीन क्या लिखा है एक एपी में मतलब पहले ही बोल दिया कि क्या है समांतर श्रेणी तो इसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये ए में है या नहीं है ना चलिए तो क्या बोला कि ए का मान मतलब पहला पद दे दिया गया पांच सार्वंत्र भी दे दिया गया तीन और हमें एन मतलब अंत पद दे दिया गया है तो हमें एन तथा एस एन का मान ज्ञात करना है बहुत आसान से क्वेश्चन हो गया सर सिंपल हमें देखो जो जो चीज़ें मिल, मिलना चाहिए चीज़े मिल गया पहला पद मिल गया सर्वंत तो मिल गया अगर हमें यही दोनों चीज़ मिल जाता है बाकी सारी चीज आसानी से निकाल लेंगे ठीक है चलिए हमें एन निकालने के लिए सबसे पहला हम फॉर्मूला यूज करते हैं लास्ट टर्म वाला ए एन वाला टी एन वाला जो भी बोलो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और जहाँ भी आप देखोगे ध्यान से तो एन का मान हमें दिया गया कितना दिया गया पचास और हमें पहला पद भी दिया गया कितना पहला पद है पाँच प्लस एन निकालना है माइनस वन इंटू डी का मान कितना है थ्री सॉल्व कर ली जाए चलो तो ये भी देखो पचास ये प्लस का पाँच इधर आके माइनस का पाँच बराबर एन माइनस वन इंटू थ्री तो यहाँ से देखो हमारे पास पैंतालीस और ये गुना में है तो इधर के भागा में बराबर एन माइनस वन और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पंद्रह ती पैंतालीस और माइनस का मन इधर के प्लस का वन बराबर एन और यहाँ पर एन का मान हो जाएगा सोलह बराबर क्या हो गया यानी हमें एन का मान क्या मिल गया सोलह मिल गया ठीक है अब जैसे हमें एन का मान सोलह मिला हम आराम से sn निकाल लेंगे sn मतलब हमें अब निकालना एस सिक्सटीन जो होता है आपके पास चलो फॉर्मूला पहले लिख लो एस एन बराबर होता है एन बाई टू इन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी और कितना आ गया हमारे पास एन का मान सोलह आ चुका है चलो तो एस सोलह हो गया आपके पास सोलह बाई दो इंटू टू ए प्लस टू ए का मान कितना है हमारे पास फाइव प्लस एन के माने सोलह माइनस वन इन डी के माने थ्री चलो सॉल्व कर देंगे इसको आराम से हम है ना एक ये फॉर्मूला है दूसरा फॉर्मूला क्या है सर एस एन बराबर ये भी फॉर्मूला होता है जब हमारे पास अंतिम पद मिला होता है तो एस एन बराबर होता है ए एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस अंतिम पद इस फॉर्मूला से भी आप एस एन का मान निकाल सकते हो ठीक है तो जो भी आपको आसान लगे उसको करना है, तो जनरली ये फॉर्मूला सबसे आसान होता है इसे भी कैलकुलेट कर सकते हो लेकिन हमने इसको लिख लिया तो इसको करते हैं फिर उसको कर लेंगे है ना चलो ध्यान दो तो ये हो जाएगा तो वो एस सोलह बराबर क्या हो जाएगा आठ इंटू दस प्लस पंद्रह इंटू तीन तो यह आ जाएगा हमारे पास एस सोलह बराबर आठ इंटू दस प्लस पैंतालीस और ये हो जाएगा एस सोलह बराबर आठ इंटू पचपन और ये हो जाएगा आठ इंटू पचपन है ना यानी पचपन का गुना करते हैं आठ से क्योंकि आठ पचे चालीस चार आठ पचे चालीस और चार चौवालीस तो चार सौ चालीस यानी हमारे पास ए सोलह का मान कितना आ जाएगा चार सौ चालीस एक ये तरीका हुआ दूसरा क्या फॉर्मूला बताया आपको मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया कि आपको ये भी फॉर्मूला होता है अंतिम पद जब हमें दिया गया होता है तो क्या फॉर्मूला होता है एन बाई टू इन टू पहला पद जोड़ अंतिम पद अंतिम पद एल बोलो चाहे ए एन बोलो अंतिम पद यही होता है ना चलो आराम से रखते हैं सॉल्व करते हैं देखते हैं क्या मिलता है तो ये सोलह चाहिए सोलह बाई दो गुने पहला पद पहला पद कितना है सर पाँच और अंतिम पद कितना है पचास रख दो पाँच प्लस पचास तो क्या आ जाएगा पाँच प्लस पचास तो यह आई देखो हमारे पास सोलह बराबर आठ इंटू पचपन सेम वही क्वेश्चन आंसर आ गया देखो आठ पे चालीस आठ पे चालीस हजार चालीस फोर हंड्रेड फोर्टी है ना तो देखो तो आप साथ के साथ मैं आपको और अच्छे से अच्छे ट्रिक सिखाते चलूँगा ताकि आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे है ना मेन यहाँ मोटिव क्या है कि आप क्वेश्चन को कैसे हल मतलब टेकल करो कैसे हल कर रहे हो कौन सा अप्रोच कब लगा रहे हो तो जनरली अगर हमारे पास ना पहला पद और सार्व अंतर मिल जाता है ना तो क्वेश्चन में कुछ भी बोले हम आर आराम आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे ठीक है जैसे कि यहां पे देखो हमें एसियन निकाला तो एसन के मैंने दो फॉर्मूला निकाली ये फॉर्मूला कैसे आया ये फॉर्मुला इसी से आया था अगर आपने मेरा पिछला क्वेश्चन मतलब पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो जोर देखिए वहां पर मैंने आपको ये ड्राइव करके दिखा दिया है कि कैसे हम लोग एसियन का जो फॉर्मला होता है उससे हम लोग यह अंतिम पद दिया हुआ तो उससे कैसे निकालते हैं ठीक है अगर आपने नहीं देखा जरूर देखिए जरूर देखिए और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए ठीक है चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिंपल ये भी बहुत आसान से क्या बोला गया हमें देखो पहला पद मतलब a का मान दे दिया पहला पद और a 13 दिया गया पहला पद हो गया बराबर 7 और a 13 का मतलब हो गया आपसे दिया गया a 12d का मान कितना हो गया 35 तो इसी तरह हम क्या बोलेंगे इसमें बोलेंगे कि इसको मान लो पहला समीकरण इसको मान लो दूसरा समीकरण तो बोलेंगे a के मान को a के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण दो में रखने पर रख देते हैं समीकरण दो में रख लेते हैं चलो बताओ क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा ए प्लस बारह डी बराबर क्या है पैंतीस यानी एक मान क्या है सर सात तो सात प्लस बारह डी बराबर पैंतीस तो यहाँ से यह हो जाएगा सर हमारे पास बारह डी बराबर पैंतीस माइनस सात ये हो जाएगा सर सात चौका अट्ठाइस अट्ठाइस क्या हो जाएगा हाँ ठीक है ना पैंतीस जनता यहाँ से हो जाएगा बारह डी बराबर इसको घटा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा अट्ठाइस इतना हो जाएगा अट्ठाइस यानी डी का मानोगे देखो अट्ठाईस बट्टा दो बारह तो ये हो गया देखो चौदह बट्टा छः सात बट्टा तीन यानि डी का माना के देखो हमारे पास सेवन बाई थ्री है ना देखो आगे हमने क्वेश्चन पढ़े नहीं लेकिन उसके पहले ही हमें क्या क्या चीजें दी ना मतलब इससे और इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं हमने निकाल दिए क्योंकि हमें पता है पहला पद और सार्वंतर मिल जाएगा मेरा का, सारा काम क्लियर हो जाएगा है ना तो देखो पहला पद सार्त नहीं था तो इसके देखो सार्वंत्र निकालेंगे बोल दिया ना तो इन्हीं दोनों को हल करके हमने देखो, हमें सार्वंत्र निकाल दिया कितना सार्वंत्र आया सात बटा तीन अब अगला क्या बोला एस तेरह यानी इसमें हमें बोल दिया गया है कितने पद है तो तेरह पद है एन का मान कितना है सर तेरह है ना यानी बोल दिया गया यानी हमें यहां निकालना है एस तेरह यानी तेरह बटा दो इंटू एन बाई टू इंटू टू इंटू ए पहला पद कितना है सर सात प्लस एन माइनस वन यानी तेरह माइनस वन इंटू डी डी का मान कितना है सर देखो सात बट्टा तीन सॉल्व कर दो देखो ये जाए तो हमारे पास एस तेरह बराबर तेरह बट्टा दो तेरह बट्टा दो, दो इन टू ये हो जाएगा चौदह प्लस तेरह माइनस एक बारह इंटू सात बट्टा तीन तीन चौका बारह यानी सात चौका यह हो जाएगा अट्ठाइस ठीक है कितना हो जाएगा अट्ठाइस के बराबर अब देखो इसको देखो तेरह बटा दो गुने चौदह और अट्ठाईस चौदह अट्ठाईस आराम से दिख रहा है आपको आठ चार बारह तीन एक चार है ना सिंपल ती वेस्ती वो इक्कीस बार में कट जाएगा यानी हमें क्या दिख गया तेरह गुने इक्कीस तो तेरह एकम तेरह एक तेरह दूनी छब्बीस तेरह कम तेरह हाथ में लगा एक तेरह दूनी छब्बीस एक सताइस इतना गया सर सताइस देख लेते हैं ठीक है टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री आ गया यानी हमारे पास एस का मान कितना है टू हंड्रेड थ्री सेवेंटी थ्री यानी डी का मान गया सेवन बाई थ्री और एस का मान आ गया हमारे पास टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री तो ये हमारा आंसर हो गया है ना क्लियर है चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ने की तरफ ये भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन है क्या बोला है क्वेश्चन ध्यान दीजिए हमें देखो इसमें ए बारह का मान दिया गया है और डी मान हमें दे दिया है पहले में क्या था सर ए मान दिया था डी मान निकाल लिए अब हमें देखो यहाँ पे ए मान पूछा है तो किसकी सहायता से निकालेंगे डी की सहायता से निकाल लो बोलेंगे क्या ए बारह बराबर होता है ए प्लस ग्यारह डी का मान कितना है सैंतीस के बराबर तो बोलेंगे इसमें कि सर डी का मान रखने पर डी का मान रखने पर और डी का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा सर ए प्लस ग्यारह इंटू डी डी का मान कितना है सर थ्री बराबर कितना हो जाएगा सैंतीस यानी आप ध्यान दोगे तो यहाँ से आ गया सर हमारे पास ए बराबर ए प्लस तैंतीस बराबर सैंतीस तो यहाँ से सोचेगा सर ए बराबर तैस सैंतीस माइनस तैंतीस यानी यहाँ जाए ए बराबर चार ठीक है कितना गया पहले देखो हमारे पास ए का मान आ गया देखो चार ए का मान कितना गया चार अब आता है बात क्या सर एस बारह यानी एन का मान हमें क्या मिल गया एन का मान मिल गया देखो बारह और हमें एस बारह निकालना है यानी एस एन बराबर क्या होता है एस एन बराबर होता है एन बाई टू इन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और एन का मान हमें बारह दिया गया रख दो सॉल्व कर दो चलो एस बारह बराबर बारह बट्टा दो गुने टू इंटू ए पहला पद निकालिए सर एक मन कितना गया सर फोर प्लस एन का मन है बारह माइनस वन इंटू डी डी दिया है कितना सर डी दिया है देखो थ्री कितना दिया है डी थ्री सॉल्व कर देते हैं तो यह आ गया देखो हमारे पास ये हो गया छः आठ प्लस ग्यारह इंटू तीन है ना तो ये हो गया देखो हमारे पास एस बारह बराबर छः ये हो गया ग्यारह तीन तैंतीस और आठ तीन ग्यारह इकतालीस ठीक है है ना चलो दिया हमारे पास एस बारह बराबर छह एकम छः छः चौका चौबीस छः एकम छः चौका चौबीस यानी टू हंड्रेड टू हंड्रेड फोर्टी सिक्स टू हंड्रेड फोर्टी सिक्स यानी हमारे पास एस बारह का मन कितना गया टू हंड्रेड फोर्टी सिक्स दो सौ छियालीस क्लियर है चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको इस सारे क्वेश्चन में यह समझ में आ रहा होगा ना कि हमारे पास पहला पद और सार्वंतर आ जाए तो बाकी हम सब कुछ निकाल सकते हैं पहला पद सार्तर आना चाहिए है ना बाकी आगे सब कुछ आप निकाल सकते हो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो ए तीन मतलब तीसरा पद का मन दिया है और एस टेन मतलब हमें दस पदों का योग दिया गया है तो हमें अंतर और ए टेन का मान ज्ञात करना है बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ध्यान दो देखो यहाँ पे ए तीन मतलब ए तीन का मतलब मतलब तीसरा पद का मतलब हो गया ए प्लस टू डी का मान दिया गया हमें कितना पंद्रह के बराबर पहला समीकरण मान लेते इसको दूसरा सर एस टेन मतलब आप बोलोगे क्या टेन बाई टू एन टू टू, टू टू ए प्लस एन माइनस वन एन टू डी इसका मान दिया गया कितना एक सौ पच्चीस इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो ये आए देखो फाइव इन टू ए प्लस ये हो गया नाइन डी इजकअल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो इसको ऐसे कर लेते हैं ये फाइव जो मल्टीप्लाई में थी इधर के इसको डिवाइड में कर लेते हैं यहाँ कैसे टू ए प्लस नाइन डी बराबर वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव बाई फाइव यहाँ कैसे फाइव टू जो टेन पचास पच्चीस है ना तो ये जगह हमारे पास टू ए प्लस नाइन डी बराबर हो गया ट्वेंटी फाइव ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन दोनों में सर दो इक्वेशन दो समीकरण दो चर या टू इक्वेशन टू वेरिएबल वाला आराम सॉल्व कर लेंगे देखो इसमें भी ए डी है इसमें भी ए डी है सॉल्व कर लिया जाए देखो पहला है हमारे पास ए प्लस टू डी का मान दिया है पंद्रह और दूसरा है हमारे पास टू ए प्लस नाइन डी का मान आया है पच्चीस विलोपन विधि लगा दी जाए विलोपन विधि में किसी एक चर को विलुप्त किया जाता है चलो विलोपन विधि लगा लेते हैं इसमें क्या करते हैं सर टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहला समीकरण क्या करते हैं टू समीकरण करते क्या हो जाएगा ये बन जाएगा हमारे पास टू ए प्लस फोर डी बराबर तीस और नीचे ऑलरेडी टू ए है नीचे ऑलरेडी टू ए है ही टू ए प्लस नाइन डी बराबर ट्वेंटी फाइव सॉल्व कर लीजिए चलिए घटाने पे कट गया जोड़ने पे सर घटाने पे ये प्लस क्या है माइनस माइनस प्लस क्या है तो माइनस ये कट गया ये है सर माइनस का फाइव डी ये है सर प्लस का प्लस का पांच यानी डी का मान कितना आ गया सर माइनस का वन जैसे डी का मान मिला किसी एक समीकरण में रखेंगे तो बोलेंगे डी के मान को डी के मान को मान को समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है सर ए प्लस टू डी बराबर पंद्रह और डी का मान क्या माइनस का वन है तो यानी हो गया देखो ए प्लस ए प्लस हो जाएगा आपके पास टू इंटू माइनस वन यानी माइनस का टू माइनस का टू है तो इधर आके प्लस का टू तो ये हो गया हमारे पास पंद्रह प्लस टू तो योग सत्रह ए का मानोगे सत्रह और डी के मानोगे माइनस का वन अब हमें क्या चाहिए हमें चाहिए ए टेन बहुत आसान है यहीं पर निकाल दो ए टेन हो गया देखो ए प्लस नाइन डी और ए का मान कितना है प्लस का सत्रह प्लस नाइन इंटू डी का मान कितना है माइनस का वन तो ये देखो सत्रह माइनस का नाइन कितना हो जाएगा सर आठ कितना जगह प्लस का आठ यानी ए टेन का माना गया प्लस का आठ और डी का मान कितना है डी का मान है माइनस का वन देखो कितना आसान से आपको ध्यान देना क्या है कि हम कुल मिलाकर क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं पहला पद कहीं से आ जाए और है. देखो मैं जैसे मैं पहला पद मिल गया सार्वंतर मिल गया बाकी उसके बाद जो पूछे वो आसानी से आप निकाल लोगे ठीक है चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी जल्दी ध्यान दो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी क्या बोला गया क्वेश्चन ध्यान दो इसमें देखो सार्व अंतर दिया गया है और एस नाइन का मान दिया गया आपको ए तथा ए नाइन निकालना बहुत बढ़िया मतलब एक दे दिया हमें ए निकालना मतलब पहला पद निकालना ठीक है चलो तो क्या करते हैं एस नाइन बराबर हो जाएगा नाइन बाई अच्छा इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा डाउट लग रहा है ऐसे करते हैं एस एन बराबर एन बाई टू इन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी एस नाइन बराबर हो जाएगा नाइन बाई टू इन टू टू ए प्लस नाइन माइनस वन इन टू डी डी का मान देखो दिया गया हमें फाइव रख देते हैं फाइव इसका मान कितना है पचहत्तर के बराबर सॉल्व कर लो तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास यह देखो नाइन बाई टू इन टू टू ए प्लस आठ चालीस फिर ऐसे यहाँ पे देखो सेवेंटी फाइव इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से टू ए प्लस चालीस बराबर पचहत्तर इंटू टू बट्टा नाइन पचहत्तर इंटू टू बट्टा नाइन चलो आगे देख लेते हैं चलो अब यहाँ से आएगा हमारे पास क्या टू कॉमन ले लो इसमें से तो ये होगा सर ए प्लस ट्वेंटी बराबर पचहत्तर बट्टा नाइन इंटू टू इधर से टू कट गया इधर से टू कट गया है ना अब प्लस का ट्वेंटी इधर आके हो जाएगा चलो यानी ए प्लस ट्वेंटी बराबर पचहत्तर बट्टा नाइन ठीक है ना एस नाइन दिया ना ठीक है चलो नाइन माइनस वो ना चल ठीक है सब सही चल रहा है चलो तो यहाँ जाएगा ए का मन पचहत्तर बट्टा नाइन माइनस का ट्वेंटी तो यह आ जाएगा सर ए बराबर पचहत्तर माइनस एक सौ अस्सी बट्टा नाइन यानी ए बराबर ये आ जाए सर माइनस का पंचानवे बट्टा नाइन क्लियर है माइनस का पंचानवे बट्टा नाइन ठीक है कि एक सौ पाँच सॉरी माइनस का एक सौ पाँच बट्टा नाइन माइनस का एक सौ पाँच बट्टा नाइन यानी ये हो गया हमारा पहला पद यानी क्या हो गया ये हो गया हमारा पहला पद और हमें निकालना ए नाइन का मन हमें निकालना ए नाइन का मन और ए नाइन कहते ही क्या पता चल गया सर हमें निकाला ए प्लस एट डी का मान तो ए का मान है माइनस का एक सौ पाँच बट्टा नाइन प्लस आठ इंटू डी का मान कितना दिया है डी का मान दिया है पाँच डी का मान कितना दिया है सर पाँच दिया गया ठीक है डी तो, का मान रखते है पाँच तो ये हो गया देखो हमारे पास माइनस का एक सौ पाँच बट्टा नाइन प्लस का हो गया चालीस और यहाँ से जो सर हमारे पास माइनस का एक सौ पाँच प्लस नौ चुका छत्तीस तीन सौ साठ बट्टा नाइन घटा दीजिए तीन सौ साठ माइनस एक सौ पाँच दस में से 5 पाँच गया पाँच यहाँ बचा पाँच यहाँ बचा सर तीन में से गया दो सही क्या दस में से पाँच गया पाँच यहाँ बचा पाँच यहाँ तीन में से दो एक गया दो तो माइनस का या प्लस का दो सौ पचपन बटा नौ प्लस का दो सौ पचपन बटा नौ चलो एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई भी कर लेता हूँ कि कहीं कैंसिल आउट नहीं सेवेंटी फाइव है ठीक है एन का नाइन बाई टू इंटू टू प्लस एन माइनस वन यानी नाइन माइनस वन एट एट पर्ची चालीस ठीक है ये हो गया टू इधर यहाँ नीचे आ गया टू निकाल दिया पचहत्तर बटा नाइन ठीक है इसको प्लस का बीस है तो इधर लाकर माइनस का बीस कर दिए एक सौ अस्सी हो गया माइनस का एक सौ पाँच बटा नाइन ठीक है करेक्ट यानी हमारे पास ए नाइन का मान आ गया हमारे पास ए नाइन का मान आ गया हमारे पास दो सौ पचपन नाइन और ए का मान आ गया हमारे पास माइनस का एक सौ पाँच नाइन क्लियर है चलिए तो उम्मीद करता हैं आपको एकदम अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गएंगे ठीक है तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं इसमें भी अभी आगे दो तीन क्वेश्चन और बच गए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी मतलब जल जल उसको कर लेने का अब हर एक क्वेश्चन में बस एक लॉजिक देखोग क्या लॉजिक देखोगे कि सब में हम अगर पहला पद और सार्वंतर निकाल रहे हैं तो मेरा काम बन जा रहा है ठीक है तो हमें सब में क्या निकालना पहला पद और सार्वंतर कहीं से ढूंढ निकालना ताकि हम आराम से उसको सॉल्व कर सके ठीक है तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं उम्मीद करते हैं आपको सारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसी तरह अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिए